मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्यों यहाँ से? रिलैक्स, काम डाउन बेबी, क्या हो गया? तो हमारी जंग का पहला नतीजा आ ही गया, थप्पड़ तो मारा होगा उसने, है ना? मारा था ना थप्पड़? क्यों, क्या हुआ? थप्पड़ नहीं पड़ा? फिर किसी चीज पे उठा के तो जरूर मारा होगा, है ना? मारा था ना? क्या ये भी नहीं हुआ? आई एम श्योर धक्के तो जरूर पड़े होंगे, है ना? पड़े थे ना? रियली सॉरी, मतलब मुझे ना यकीन में बहुत दुख हो रहा है कि तुम ट्रिप पे नहीं जा सके। अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे कमरे से। तुम्हारा कमरा? ये जो तुम्हारा कमरा और ये तुम्हारी जितनी भी चीजें जो तुम्हें प्यारी है ना, बहुत जल्द छीन लूंगी तुमसे। से यार बहुत थकी भी लग रही हो, कोशिश तो काफी की होगी टिकट्स और पासपोर्ट ढूंढने की, है ना? निकलते हुए धक्के मार के यहाँ से निकालो। और काम जाऊं बेबी, कहा है ना इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वैसे दुख तो काफी हो रहा होगा, है ना? पर एक बात बता, ये दुख उन तकालीफ के सामने कुछ भी नहीं है जो भी तुमने बर्दाश्त करी। तुम इंसान नहीं हो, शैतान हो। शैतान मुझे और निहाल को अलग करने के लिए इस हद तक गिर सकते मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो क्या करूं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्यार और जंग में छोटे छोटे जराइम तो करने पड़ते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक दिन तुम्हारी सारी असलियत निहाल के सामने आके रहेगी, देख लेना। अच्छा, तुम बताओगे? हाँ मैं बताऊंगी उन्हें। तो जाओ बताओ, है कोई सबूत तुम्हारे पास? नहीं है ना? और अगर बिना सबूत के निहाल तुम्हारे पे यकीन कर लेता तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। जाओ बताओ कि वो टिकट्स और पासपोर्ट मैंने उठाया था। जाओ। जैसा घिरा हुआ इंसान ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मजीद देखोगे भी नहीं, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें निहाल की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगी। अच्छा सुनो, आई नो बहुत अफसोस हो रहा है ना तुम्हें, वो जो तुम मेरे लिए गिफ्ट लाने वाली थी उनके ना लाने का अफसोस। डोंट यू वरी, क्योंकि जब मैं निहाल के साथ खुद ट्रिप पे जाऊंगी ना तो सारे गिफ्ट्स खुद ही खरीद लो। मसरूफ है ये इनाम।